कहा हो भाई लोग, कहा हाल बा? उम्मीद करते ठीक हो बा। आज हम बात करने वाले हैं खेसारी लाल यादव के एक फिल्म के बारे में, जिस फिल्म के भैया लागत इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि 6-7 फिल्में भोजपुरी के उतने में बन सकते हो। अरे कहना क्या चाहते हो? और उस फिल्म की लागत अगर आप सुनोगे, आपको अंदर से संतुष्टि और खुशी होगा और गर्व होगा अपने भोजपुरी और अपने खेसारी लाल यादव के ऊपर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन अगर यही खेसारी लाल यादव के विरोधी जो है ना, अगर वो सुनेंगे इस फिल्म की लागत के बारे में, उनके पिछवाड़े से धुआं फेंक देगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और बर्दाश्त नहीं होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी फलानवा हमारे ढिकनवा इससे बड़ी मूवी करेगा, कैसे नहीं करेगा, बहुत बड़ी मूवी है, इसके 4 गुना पैसा लगाएगा। oh, no. भैया ऐसे अगर कर सकता है तो अच्छी बात है, करो। लेकिन हमारे खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार एक ऐसी, मतलब 3 से 4 फिल्में, 5 फिल्में ऐसी ला रहे हैं जो एकदम ताबड़ तोड़ कमाई करेगा, और इतना ज़्यादा पैसा उसमें लग रहा है कि आपके पिछवाड़े में इतनी दम नहीं है कि इतने पैसे लगा के कोई फिल्म बनाए। जैसे संघर्ष 2 अभी रेडी हो गया है, उसका क्या बोलते हैं ट्रेलर भी आ गया है, और उसका आरजे गोविंद, मतलब आरजे रेडियो की तरफ से जो बउआ है, वो उस वहाँ से रिएक्शन भी किया गया है, उस इतनी बड़ी फिल्मों को रिएक्शन दिए हैं, ये सबसे बड़ी बात। और बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर, बहुत बड़े बड़े लोग उस पर रिएक्शन दे रहे हैं उस फिल्म में, और वो कमाई जब करेगा ना तो भैया सारा रिकॉर्ड तोड़ देगा। और वैसे ही जैसे खेसारी लाल यादव की बाप जी मूवी आ रही है, रंग दे बसंती आ रही है, और तो और सबसे बड़ी जिस फिल्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस फिल्म का नाम है वीर हनुमान, और फिल्म 12 करोड़ रुपए उस फिल्म में लग रहा है। और ये बात हम नहीं बोले, खेसारी लाल यादव खुद बोले, आप सुन सकते हो। यकीन हो गया 12-15 करोड़ रुपए लगभग उस फिल्म में लग रहा है, तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा उसमें मसाला, मतलब अब जितना भैया शक्कर डालेंगे उतना तो गुड़ मीठा आएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ये तो कन्फर्म है। तो शक्कर बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ रहा है, तो उम्मीद है मीट भी बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि 7-8 देशों में जाके शूट किया गया, अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग जैसे, तो भैया मज़ा तो आने वाला है। तो हम बहुत ज़्यादा इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड है, आप कितना एक्साइटेड है कमेंट करके बताएं, और इस फिल्म को देखोगे कि नहीं देखोगे जरूर। वैसे खेसारी लाल यादव जो फैन है तो देखेगा ही देखेगा, और बाकी लोगों से कहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भैया जाके इस फिल्म को देखना और प्रमोट करना, तब जाके भोजपुरी में अच्छी फिल्में बन पाएंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।